मैं और इतिका कब से इंतजार में थे, बट फाइनली प्रशांत इज कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया। वेरी मच एक्साइटेड। मम्मी एकदम देख के बिल्कुल मस्त खुश हो गई थी। हाँ। अरे कैसे आ गया, पापा भी खुश हो गए थे। मम्मा को स्कोर दो 1 to 10 में। नमस्ते सस्रियाकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु, वेलकम बैक टू अ घर वापसी दिन इन आवर लाइफ। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, आज है प्रशांत की घर वापसी दिन। मैं और इतिका कब से इंतजार में थे, बट फाइनली प्रशांत इज कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया। वेरी मच एक्साइटेड, वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस आज का जो दिन है आप हमारे साथ बिताओगे, आई एम होपफुल ये जो घर वापसी वाला दिन आप हमारे साथ देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। आपको पता है आपके पापा वापस आ रहे हैं, आपको कोई भी आइडिया है? है ना, आपको आइडिया पापा आ रहे हैं आपके वापस। मोस्टली इतिका की जिम्मेदारी मेरी ही होती है, बट पूरी मेरी जिम्मेदारी थी। सो आई वाज लाइक, कैसे किया मम्मा ने? मम्मा को स्कोर दो 1 to 10 में। ठीक के स्कोर दे रहे हो आप, मम्मा 10 on 10 किया आपने। तो सीन ये है कि प्रशांत इज कमिंग बैक एंड बस अभी जिस इवेंट के लिए प्रशांत वॉज देयर वो भी हो गया सब अच्छे से, और बस अब पापा हमारे साथ वापस आ गए हैं। अब हम फन करेंगे यहाँ पे सब मिलकर। फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है आपके लिए। आ जाओ इतिका, पापा आ गए आपके। चलो चलो चलो। हेलो, हाय हाय हाय। इतिका कौन है बेटा? इतिका कैसे हो बेटा, कैसे हो, क्या कर रहे हो? मम्मा को तंग तो नहीं किया आपने? आप चले जाओ अब। आप मेजबानी लॉयल्टी, इतिका बहुत लॉयल है, उसको पता है उसकी माँ ही उसका काम करेगी। बट हाउ वाज द फ्लाइट? मजा आया। बट सही था, पापा का मिस किया आपने, पापा का मिस किया। क्या लगता है, इसको पता लगा था यू वर नॉट हियर? बिल्कुल भी नहीं। अपनी मस्ती में मौज में कोई मतलब नहीं है। देखो कोई ना कोई दिखेगा तो ठीक है। दोनों को एक होना चाहिए आई थिंक। हाँ मुझे भी लगता है ये चल रहती है। अगर हम दोनों चले गए तो रोना गाना करेगी वो, तो शायद रोना गाना, कोई जान पहचान का होना चाहिए। हाँ कल मैं किधर गई थी ना तब भी घूम फिर के मेरे पास ही आ रही थी। बहुत ठीक है, चलो अभी प्रशांत थोड़ा चिल करवाते हैं फिर मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में हमने बनाया है वेजिटेबल उपमा जो हम खा रहे हैं, और इतिका भी देख रही है जैसे जैसे चम्मच चल रहे हैं उसको भी खा रहे हैं। तो हम उसे एक पीस पिचका के दे सकते हैं, दे सकते हैं गाजर तो कुछ भी दे, जस्ट स्मैश इट, खाओ। एंड बाय द वे आपके लिए क्या क्या आया है चेक करें। क्या सामान आया है आपका इंडिया से? पहले मेरा आता था, अब मेरा आया अंडा। कुछ नहीं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मेरा खुद का नहीं आया कुछ। मैडम का है, मैडम की सेवा में मैं और प्रशांत लगे रहते हैं, हमारा यही चलता रहता है। बट ठीक है, मैं भी बहुत हंग्री हूँ तो मैं भी कुछ खाती हूँ, फिर मिलते हैं। टाइम है फेवरेट चीज का, वो है ये बक्सा खुलना। मेरी हर बार का फेवरेट टाइम होता है छुट्टी के बाद। इसमें क्या है प्रशांत, खोल के दिखाएं आप जरा। चलो खोलते हैं। अच्छा सारे गिफ्ट एक तरफ है। हाँ। तो सबसे पहले तो मिठाई, एक दो तीन, दो किलो मिठाई लाए हैं हम लोग। मुझे लगा डब्बे डब्बे आएंगे छोटे छोटे से, मैं नहीं बोल रहा हूँ। छोटे डब्बे तो आए। क्या बताऊँ, मेरे कपड़े हैं, ये इतिका के लिए स्पेशली एक चील के पैन चाहिए था हमें, तो हम नया नहीं लाए, हम यही ले घर पे रखा हुआ था तो हम वो ले आए। ये मम्मी ने चादर भेजी है, पापा को क्या है गिफ्ट मिला था तो मैं ले लिया, ऐसा सा पतले पतले ब्लैंकेट का, उड़ने के लिए अच्छा है। अब हम उड़ेंगे गर्मियों में, एसी मोड़ने के लिए ब्लैंकेट है। और दिखाइए प्रशांत, इसमें सामान आया था तो मैं ये बैग भी ले आया अलग से। और प्रशांत को एक शर्ट मिली, अच्छी लग रही है। मेरे पास वहाँ पे पहले से रखी हुई थी, पहले से मिली हुई है ये शर्ट। हाँ, हाँ, जो तो लेके करके आती है। हाँ बट लुकिंग नाइस, अच्छी लग रही है, पहन सकते हैं इसको। एंड देयर इज अनदर वन। दो शर्ट मिली, ये तो वही थी जो पहनी थी? नहीं नहीं, उसको कॉलर नहीं था ना। अच्छा हाँ, उससे मिला आपको सही लग रहा है। तो ब्लैक है, डिफरेंस क्या होगा? और ये जींस, ये भी इतिका का सामान। इंडिया में मिलते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ वाले लोगों को पता भी नहीं होता इस टाइप के जूते। यहाँ पे देख के लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये इतिका का वहाँ छूट गया था तो वापस आ गया, ये मैंने लिया था बट फिर वहीं छूट गया था। हाँ उसके अलावा कुछ कुछ कपड़े इतिका के। वाओ लुकिंग नाइस, नाइट सूट है ये।
तो ये क्या है? हाँ, ये काफी अच्छा है। Nice. और एक ये है, ये भी अच्छा है। हाँ। काफी क्यूट लग रहा है। हाँ। ये तो चीनो चीनो नहीं होते, चीनो पैंट जैसे। तू बोल रहे थे उसके लिए कुछ नहीं आया, बट तो के लिए ये आया। प्रशांत बहुत बड़ा दिल है आपका। चलानी का आम पन्ना। ओह माय गॉड, पांच छह दिन संभालने के बाद ये 2 किलो मिठाई कौन खाएगा, वो भी पूछ लो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलानी का आम पन्ना है मेरे लिए। ये हमारे पिंकी दीदी ने भेजा है, जरा देखे हमने। खुद बुना है क्या उन्होंने? हाँ, सच्ची मतलब हैंग में गए घर पे बुनी हुई स्वेटर। ये स्वेटर अगले साल आएगा, ये अगले साल। हाँ, बड़े साइज का ही बना है। मतलब लुकिंग नाइस है, बहुत प्यार लग रहा है तो कलर। सांता क्लॉज लगेगी इतना। नाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मैं लेके आया रुशन। तेरे कुछ नहीं आ रहे तो बस आंखों में आंसू आ गए। 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। कोई और ऋतु के लिए लेके आता तो ऋतु को पसंद नहीं आता। खुद का खरीदने के लिए ऋतु के पास टाइम नहीं था, तो इसलिए कुछ नहीं आया ऋतु के लिए। कि नहीं, दोहर मैं ही यूज कर लूंगी। और ये भी तो है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट तो यूज करना आराम से। चलो इसे भगवान जी को चढ़ाते हैं और फिर खाते हैं इसको। ठीक है, मैं मुझे ये काफी सही लगे, पता है जूते? पता है मेरे को यही चीज लगती है, जो चीज यहाँ नहीं मिलती ना वो अच्छी मिल जाए वहाँ पे। एंड दीज आर नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक वो 300-400 के होंगे ये वाले जूते, तो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो ये है एक पैर ये है और एक पैर ये है, तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपका कौन सा फेवरेट, आप कॉमेंट में बता देना। नाइस। जब प्रशांत आ गया, प्रशांत ने मुझे पूछा कैसे मैनेज किया, तो मैनेज करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज है। ठीक है, थोड़ी भसड़ मची थी एंड स्पेशली क्लीनिंग में काफ़ी भसड़ मची थी, बिकॉज उसके साथ मुझे बहुत बार क्लीन करना पड़ता है। अभी क्रॉल करने लग गई है तो थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। बट एक चीज़ है जिसने मेरी लाइफ जेन्युइनली काफ़ी ईजी करी है, जो मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ, वो है ये। दिस इज OKT K5 Pro। इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट वैक्यूम। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये कॉम्पैक्ट है, तो पता है क्या होता है, घुस घुस के सफाई करता है। स्मार्ट है तो फोन से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, काफी देर तक चलता है। तो अगर मैं एक बार चार्ज करूँ तो कम से कम ये 1.5 घंटा रेगुलर चल सकता है। और कितनी बार ऐसा होता है ना कि पैचेस होते हैं, जैसे घर साफ है बट जैसे वो इतिका ने वहाँ खाना खा रखा है तो ये गंदा हो रखा है, तो मुझे ये क्लीन करना है। तो मैं इसे फोन से ऑपरेट करके यहाँ पहुँचा के क्लीन भी कर देती हूँ। मेरे फोन में ऐप और इसको मैंने यहाँ पे बुला लिया है। अब मैं एंटर करूंगी और मैं करूंगी स्पॉट फोकस, तो मतलब ये सिर्फ ये वाला पैच करेगा। जैसे आपको पूरे घर में नहीं चलाना, सिर्फ एक पैच क्लीन कराना है, तो आप ये करवा सकते हो। और जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एकदम जो घर है काफी साफ कर देता है। ये इंटेलिजेंट भी है, तो जैसे ये जो एजेस है इस पे नहीं भिड़ेगा, इस पे आके रुक जाएगा। और जैसे कोई भी फर्नीचर पीस होगा ना, तो उसके पास जाएगा, उससे टकराएगा नहीं, तो ऐसा कोलिजंस और ये सब भी नहीं होता। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग कि काफी सेफ भी है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। और अभी ये सोफे के नीचे खुद गया था और घुस घुस के क्लीन करता है। तो जैसे अगर कुछ चीजें हैं, जैसे ये नीचे या फिर इसके नीचे या फिर इसके नीचे, सबके नीचे, ये ऑटोमेटिक खुद घुस जाता है और मस्त क्लीनिंग करता है। और अब मैंने इसे रिवर्स कर दिया है क्योंकि अब मैं इससे मॉपिंग करने वाली हूँ। तो इसमें एक अटैचमेंट है, इसमें आप अपना कोई भी स्विफर या जो भी आपको लगाना हो वो आप लगा सकते हो। और तो ये पूरे घर में घूम घूम के पोछा भी लगा देगा, तो आपको सिर्फ झाड़ू पोछा दोनों इससे करवाने हैं। बड़ी स्मार्टली जल्दी जल्दी सारा काम अपने आप हो जाता है। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ इजी करनी है तो आप भी OKP K5 Pro खरीद सकते हो। लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में और मेरा डिस्काउंट कोड होगा, वो आप जरूर चेकआउट करना। और इतिका के दादू दादी ने इतिका के लिए टॉय भिजवाया, जिससे वो वीडियो कॉल करते थे। इतिका, आपका टॉय आ गया 7 समुंदर पार से। इतिका को इतना पसंद था, दादू दादी ने बोला ले जाओ ले जाओ। है इतिका को बहुत पसंद है। चलो इतिका, खेलो अब इसके साथ। घर से निकल गए, हम लोग जा रहे हैं ट्रेडर जोस, जो कि हमारे घर से 7 मिनट दूर है। अभी बज रहा है 5:58। हमने दिन में शूट नहीं किया बिकॉज प्रशांत वॉज वर्किंग एंड आई वॉज हैंडलिंग इतिका। और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ टू बी ऑनेस्ट, मतलब
इतने सारे दिन हो गए अकेले, तो आई डोंट नो अब मतलब मेरा हो गया, मैं थक गई हूँ. एंड ऑनेस्टली इंडिया में आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील, पीपल थिंक कि ये तो एक ही बच्चा है संभालना क्या ही है, बट मुझे लगता है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है इट्स अ बिग डील. मुझे जो भी मिला सबने पूछा कि भाई चल कैसा रहा है, लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग. इंडिया में क्या लगता है मोस्टली लोगों को कि इंडिया में कुछ लोगों को लगता है कि हो जाए, कुछ लोगों को सच्चाई पता है. आपको क्या लगता है पता नहीं, मैं तो वेदिका पीछे बैठी हमारी आराम से चिल कर रही है. वहां पहुंच के मिलते हैं. पहुंच गया और पार्किंग जैसे कि आपको दिख रहा है सारी फुल है. 5 बजे के बाद सब अपना ग्रोसरी करने चले जाते हैं मुझे लगता है. और ये देखो ये ऑडी है, काफी क्यूट से, इसकी गाड़ी का नंबर क्या है. आई 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 आई, पता नहीं कहाँ आई, किसको आई. प्रशांत ने इतिका को निकाल लिया है गैस. और अब हम जा रहे हैं. मैडम सो गई, मैडम को उठाएं क्या, क्या करना है. 5 मिनट सोन देते हैं. एंड वी आर इन ट्रेडर जोस राइट नाउ. और बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है मुझे लग रहा है. आई थिंक हम गलत टाइम आए हैं. एक स्ट्रॉबेरी लेनी है हमें, स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं. ले लें इसको, चेरी है अभी. मैंगो, एक एक मैंगो नहीं मिलेगा क्या, ले ले मैंगो ले ले, खा लेंगे. और अभी हम ये ले रहे हैं, एक बड़ी मस्त चीज़ है ये, इसको हम ब्रुशेटा में यूज़ करेंगे राइट. ठीक है, पता नहीं कब बनेगा बट लेके जा रहे हैं हम. और मुझे ना एक समर रोल बनाना है और उसका सामान मैं काफ़ी टाइम से जुगाड़ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा. तो उसके लिए प्रशांत हमें बटर लेटस चाहिए, उसके वो पिंक वाली कैबेज चाहिए और मिंट चाहिए और वो सब सामान चाहिए. हमें ढूंढ रहे हैं, हम ऐसे ही उठा ले, हम बाद में श्रेड कर लेंगे अपने आप. कैरेट, हाँ ये उठा ले. और हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मिलती है कैलिफोर्निया स्टाइल सॉर्डो ब्रेड. ये आई डोंट नो, हो भी सकते हैं. और जिसके लिए मैं आई थी वो एग्जैक्ट सामान मुझे यहाँ नहीं मिला, वो प्रशांत कह रहा है एशियन शॉप पे मिलेगा. तो मुझे एक समर रोल बनाना है, वो ना ऐसे बड़ी अलग चीज़ है, वो काफ़ी ठंडे ठंडे होते हैं और वो काफी यमी होते हैं. उसका जो सामान है पिंक कैबेज, बटर लेटस, वो सब मिल नहीं रहा है आप. तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे प्रशांत, पड़ोसी शॉप के नीचे एक एशियन स्टोर है, जापानी शॉप. ठीक है, तो मैं किसी और आई थी बट हाँ हमने थोड़ा बहुत सामान लिया है. तो अब हम आई थिंक बिलिंग करा लेते हैं. और ट्रेडर जोस में भी काफी सारा ऐसे देसी सामान मिलता है, तो मतलब चिक्पी यहाँ पे ना दाल को करी बोलते हैं, तो ये सब चीजें भी काफी मिलती है यहाँ पे. देसी सामान काफी मिलता है ना यहाँ पे, देसी फ्रोजन काफी देसी मीलता है. ठीक है, अभी हमारी हो गई, इतिका भी उठ गई, बीच में सो ही दिया ऐसे, उठाओ इसे क्योंकि सोएगी नहीं फिर बाद में. ठीक है, लेट्स गो. हमारी जो बिलिंग है वो चल रही है, अभी सामान पैक हो गया है. इतिका ने अपनी दाल रख ली है, आप ये खाओगे क्या घर जाके. ठीक है, और अभी हम लोग घर जा रहे हैं. घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा प्रशांत, बट यहाँ इतना जितना लग रहा था उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, जल्दी जल्दी हो गई बिलिंग. कुछ लिया नहीं हमने, बात तो सही है. हम यूजुअली 3 बैग्स लेके जाते हैं, इस बार मैंने एक ही रखवाया, सामान नहीं मिला मेरा. हाँ बैग लाना भूल गए इसलिए. तो प्रशांत की ऑब्जर्वेशन है ट्रेडर जोस के लिए. प्रशांत क्या बोल रहे थे आप बताइए. हमारे ट्रेडर जोस पे ना ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे जाते हैं, मतलब 10 सामान की लिस्ट होती है जगह जोस जाने में, वापस आने में लिस्ट में 6 सामान बचे जाते हैं क्योंकि सारा सामान मिलता नहीं जगह जोस पे. लेकिन अतरंगी सामान उठा के ले आते हैं. दिमाग में सोचो तो ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं आता कि क्या ऐसा लिया, ऐसा कुछ लिया भी नहीं. हैं जाके बस. और ऐसे सामान महंगा भी नहीं होता, इसका सामान होता है सस्ता सस्ता. और ये लेके इतना सारा ले लेते हैं, पता नहीं है भाई ये कुछ अलग स्कैम चला रहे हैं. और मौसम काफ़ी अच्छा था, हमारा घूमने का प्लान था बट हम थक गए हैं, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, दोनों थकील हैं. तो अब हम घर जा रहे हैं. एंड वी आर बैक होम. और सबसे पहले हम इतिका को खिला रहे हैं उसकी दाल. और ये है इतिका की इवनिंग दाल. क्यों रो रहे हो, पर टेल यू क्यों रो रही है. ये जो मैंने इसको उसको ऊपर से पहना रखा है ना ताकि इसके कपड़े खराब ना हो, इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बट अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके सब कपड़े खराब हो जाएंगे. अच्छा अवोकाडो भी खाओगे साथ में बीच बीच में, ऐसे खिलाती मम्मा अवोकाडो. यम्मी यम. और दाल, दाल भी खाती हूँ मम्मा मैं. दाल को गुड जॉब. और साथ में मम्मा बना रही है ब्रुशेटा, तो इसको मैं बताती हूँ बाद में कैसे बनेगा. तो मैं इसके लिए टमेटोज भी चॉप कर रही हूँ और बीच बीच में ये भी चल ही रहा है. कॉन्स्टेंट है ये भी, कॉन्स्टेंटली मेरा बेटू रो रहा है. वैसे वो ठीक है, सिर्फ वो एक्टिंग कर रही है क्योंकि वो उसको बाहर आना है. आप मैनिपुलेटिव हो गए आजकल. टीका ने खाना पीना खा लिया, अब वो वहाँ पे खेल रही है और हम बना रहे हैं ब्रुशेटा. प्रशांत आप कितने एक्साइटेड हो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ब्रुशेटा खाने के लिए. अगर 2-3 घंटे में नहीं मिला तो फिर भूख लगने लगेगी, फिर को कुछ भी खिला दो. बट ठीक है, अभी हम बनाएं ब्रुशेटा के लिए हमें चाहिए ब्रेड जो मैंने बना दिया है, एवोकाडो जिसका हम एक लेयर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम डालेंगे हरी घास, ऊपर से हमें चाहिए टमेटोज और साथ में मैंने गोट चीज डाली है. तो गोट चीज कुछ ऐसी होती है, काफी क्रीमी होती है, जैसे मक्खन होता है ना हमारे यहाँ वैसा. ठीक है, और ये मैंने अपने अलग से डाला क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल है और इसमें ऑलिव ऑयल नहीं है, समझ रहे हो.
अभी बस मैं पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। A few moments later, मेरा ब्रूशेटा रेडी हो गया है। मैंने इसमें एक एवोकाडो का बेस लगाया है, लोग नहीं लगाते बट मुझे सही लगता है। तो ये मेरा, ये प्रशांत का, ये मैडम खेल रही है। अब प्रशांत को ट्राई कराते हैं, पूछते हैं कैसा है। और प्रशांत को भी हम ट्राई करा रहे हैं। प्रशांत आप बताइए कैसा लगा आपको हमारा? अच्छा, काफी अच्छा। सही है, ठीक है। मैंने पता कहाँ से टेपा, तो अब मैं को लगता है मेरी उम्र हो गई है, तो मैं वहाँ गई थी, हम बारी गए थे ना, वहाँ मैंने खाया तो मुझे बड़ा सही लगा। तो प्रशांत को बोला ये तो हम घर पे बना सकते हैं, तो हम सामान ले आए, तो मैं बना दिया। आई एम नॉट श्योर कैसा हो रहा है, बट मुझे सब देखने में सही लग रहा है। मैं खाऊंगी अभी थोड़ी देर में, तो अभी चलते हैं अपन, क्योंकि मैडम इतिका वहाँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, हम गदर मचा देती हूँ वहाँ पे। अकेले रह नहीं सकती है इतिका। देखो वो दिख रहा है आपको, बच्चा कोने में बैठा हुआ है, वो है हमारा बच्चा। एंड दिस इज 8:10 हो गए, इतिका को हमने सुला दिया है। एंड वी आल्सो प्रशांत, सवाल जवाब के लिए रेडी हैं आप। बताइए घर वाले सरप्राइज हो या नहीं? घर वाले एक्चुअली काफी सरप्राइज हुए। मैं जब एक्चुअली पहुंचा था रात को 11 बजे से, तो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कोई आएगा। तो फिर मेरे को 2-3 बेल बजानी पड़ी, तब जाके उन्होंने दरवाजा खोला। एक आध बेल उन्होंने इग्नोर मार दी होगी। हाँ। मम्मी एकदम देख के बिल्कुल मस्त खुश हो गई थी। हाँ। कि अरे कैसे आ गया, पापा भी खुश हो गए थे। और रिश्तेदार भी सब सरप्राइज हुए, क्योंकि किसी को नहीं बताया। हवा नहीं लगने दी थी, जो भी आके मिल रहा, अरे तुम करके एकदम सरप्राइज हो जाते थे हर कोई, और हर किसी को अच्छा लगा। सबने कहा कि बहुत अच्छा किया तुम्हारे। प्रशांत ने खूब वाह वाह लूटी वहाँ पे। अच्छा, खाने में क्या क्या खाया, मजे आए? अरे खाने में तो बहुत कुछ खाया। पार्टी में ऑब्वियसली तो पनीर टिक्का, सोया चाप, और उससे पहले मतलब पापा की पार्टी थी, उससे पहले पापा को ऑफिस लास्ट दिन गए थे, वहाँ पे भी उनकी छोटी सी सेरेमनी हुई थी। वो भी दैट वाज आल्सो नाइस। तो हाँ, अच्छा लगा। मतलब काफी ऐसे पैक ट्रिप था, मतलब पहले दिन गया, फिर एक दो दिन ये किया, फिर 2-3 दिन बाद फिर वापस आ गया। ठीक है। एंड विद दिस द व्लॉग कम्स टू एन एंड। अभी हमें बनाना है खाना पीना और हमें करनी घर की सफाई। बड़ी बोरिंग सी लाइफ है जी हमारी। अभी बस समर्स में काफ़ी कुछ हमने प्लान कर रखा है, तो उसके व्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर हो रही हैं, बिकॉज टाइम का थोड़ी सी कमी है, तो चला लेना, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब इफ यू हैवंट डन इट ऑलरेडी, इट विल मीन द वर्ल्ड।